आई लाइक रियलिटी शोज लाइक झलक दिखला जा, इंडियन आइडल एंड ऑल दैट. तो मैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे झगड़े वगड़े होते हैं ना वो मैं देख नहीं पाती. लेकिन जब मैंने उसको फेस किया तो आई वॉज नॉट स्केयर्ड एनी मोर. आई वॉज लाइक आई वॉज फाइटिंग विद हिम. इस सीजन में मेरा फ्रेंड नहीं गया है बट बहुत सारे सीजन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए हैं. जो सीजन चल रहा है जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, आपके किरदार को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी बताइए हमें कि कैसे ये किरदार आपको मिले, क्या कुछ हुआ. हाँ मुझे मेरा कास्टिंग देयर इज अ कास्टिंग डायरेक्टर, ही कॉल्ड मी, इज माई फ्रेंड ऑल्सो. तो काफ़ी टाइम से ही वॉज कॉलिंग मी फॉर शोज बट कोई अच्छा कोविड के बाद थोड़ा सा मतलब अच्छे शोज नहीं आ रहे थे. मेरे को जो भी ऑफर्स आ रहे थे उसमें मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था. सो आई वॉज वेटिंग कि कोई अच्छा रोल आएगा तभी आई डू, अदरवाइज इट्स ओके आई वेट. सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड देयर इज अ वेरी गुड कैरेक्टर एंड काफ़ी तुम्हारे रियल लाइफ से मैचिंग भी है. रियल लाइफ मतलब यू आप जहाँ से भी होते हैं आप उसको थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये स्टोरी भी लखनऊ की है एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ. And this lady Manorama, the character I'm playing, she's a sports person. तो मैं actual life में भी sports person थी. I used to play hockey. So बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहाड़ी दिखाया, मैं खुद पहाड़ी हूँ. सो बहुत सारा ऐसा था जो बिल्कुल resemble हो रहा था मेरे own character के साथ. तो he said कि ये story है, बहुत mind blowing है, तुम सुन लो एक बार, अगर तुम्हें समझ में आता है तो let's do audition. So it was very nice. So I gave audition and they selected me. I think I was the first one जिसको साइन किया था शो के लिए. बहुत पहले हो गया था, दो ढाई महीने पहले ही हो गया था फाइन. उसके बाद फिर बाकी कास्टिंग होने लगे. ओके, जैसे आपकी आपने कहा कि काफी ना सिमिलर है आपका किरदार आपसे, तो क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं कुछ बताना चाहेंगे. तो मतलब जो स्टार्टिंग में जैसे उसने मुझे ब्रीफ दिया कि मनोरमा इज फ्रॉम लखनऊ, शी वॉज इन टू स्पोर्ट्स एंड ठीक है मेरी लाइफ में मेरी शादी हुई थी जल्दी, यहाँ पे शादी उसके साथ धोखा हुआ है, बट देन शी हैड किड वेरी अर्ली. सो काफी सारी चीजें एंड शी इज फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली दिस दैट एवरीथिंग देवर एक्सप्लेनिंग एंड आई वॉज लाइक एक्सक्यूज मी इज दिस माई स्टोरी. So, हाँ, एकदम से मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा I would love to do this. तो कितना मजा आ रहा है आपको अब तक जितना भी आपने काम? मुझे बहुत मजा आ रहा है. Everybody is very professional here. Mukta, our producer, she is very nice. मतलब one to one she explains things, which is very good, which is very nice. I appreciate that. Our director Lalit Mohan, he is very nice. मतलब एकदम अच्छा और fast काम होता है and every cast is good, my friends are good, everything is good. I enjoy doing this show. Yeah. Yes. And साथ में जैसे कि आपने starting में कहा कि आप एक ऐसे किरदार की तलाश में थे जो आप काफी पसंद कर रहे हैं, correct, enjoy कर रहे हैं किरदार को play करने के लिए. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मन पसंदीदा किरदार कौन सा होता है, आपके नजरिए से कैसा किरदार होना चाहिए जो आप प्ले करना चाहेंगे. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए जब उसको परफॉर्म करने को मिलता है तो वो मज़े ही लेता है. मतलब अगर आपको परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा है तो फिर देयर इज़ नो सेंस ऑफ डूइंग एनीथिंग. मतलब तो मुझे अगर परफॉर्म, जैसे मुझे शो में काफ़ी कुछ, भले जब भी मैं आती हूँ आई हैव समथिंग टू डू. मीन्स अभी अगर आपने देखा होगा तो मेरी याददाश्त चली गई थी. सो आई हैड सम कॉमेडी सीन्स और सीरियस तो है ही डेफिनेटली. पुष्कर और मेरा रिलेशनशिप जो विलेन है शो का, वो मतलब बहुत ज़्यादा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग फीमेल. ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पॉजिटिव हूँ तो मैं दुखी आ रही हूँ. सी आई डू नॉट लाइक टू प्ले दैट कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आप रोते जा रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट शेड्स. सो इस रोल में मुझे डिफरेंट शेड्स मिले. जैसे अगर शुरू हुआ था शो आई वॉज अ मदर, सो आई वॉज मतलब कंसर्न अबाउट माई डॉटर, स्केयर्ड क्योंकि मतलब देर इज अ वेरी बिग पर्सन हु इज बिहाइंड आर लाइफ. तो मैं थोड़ा डरी थी. लेकिन जब मैंने उसको फेस किया तो आई वॉज नॉट स्केयर्ड एनी मोर. आई वॉज लाइक आई वॉज फाइटिंग विद हिम. तो दीज आर दी शेड्स. जैसे सिचुएशन होती है उसके हिसाब से एक इंसान बिहेव करता है. सो समटाइम्स ऐसा होता है किसी शो में कि अगर आप पॉजिटिव लीड हो तो फिर आप सिर्फ रोते ही जा रहे हो विच इज़ नॉट राइट मेरे हिसाब से. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट शेड. समटाइम्स आई एम एंग्री, समटाइम्स आई एम अपसेट एंड समटाइम्स आई एम सेल्फिश ऑल्सो. दैट्स हाउ इट इज़. सो ये रोल मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट इज़ वेरी ओरिजिनल. सो आई एंजॉय डूइंग दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस आई डिड अ शो कॉल्ड कृष्णा जिसमें मैंने यशोदा प्ले किया था. तो मुझे हमेशा से यशोदा करने का बहुत मन था, पता नहीं क्यों. मेरी इमेज कुछ इंडस्ट्री में ऐसी बन गई है, बहुत वेरी पॉजिटिव मॉम काइंड ऑफ थिंग. सो यशोदा वॉज द रोल विच आई रियली वॉन्टेड टू डू एंड देन आई डिड इट एंड आई एंजॉयड अ लॉट. Yes, तो कभी in future negative role play करने का? I would love to, but मेरी शक्ल देख के मुझे I would love to. I will perform nicely, but yes, it's a no from everybody. Mm.
जरूर आपका एक अलग ही किरदार और कुछ अलग ही आपकी साइड हाँ. में देखने मिलेगी नेगेटिव रोल से. सो और भी अगर रजो के बारे में बात की जाए तो कोस्टार के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही है? मेरी मैं थोड़ा सा मतलब माय बिहेवियर इज लाइक दैट कि आई सिट क्वाइटली, थोड़ा मेरा ऐसा है. बट जिनसे मेरी दोस्ती हो जाती है फिर उनके साथ तो आई एम टू मच. तो जैसे सेलेस्टी से अभी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, हम काफ़ी काम करते हैं. और इसमें पुष्कर जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ वासुदेव, वो और मैं हमारा थर्ड शो है ये. सो वो मेरा पुराना फ्रेंड है, सो हम बैठ के कई बार चाय पी लेते हैं साथ में. बाकी जब हम नीचे साथ में सीन कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं सारे कास्ट वाले और चाय पीते हैं. सो या और कुछ आपको उम्मीदें हैं इस शो से? द शो इज़ वेरी नाइस और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और बस देखते रहिए. और बहुत कुछ अभी तो काफ़ी चीज़ें खुली ही नहीं है स्टोरी में, सो काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है. सो कीप वॉचिंग एंड कीप अप्रिशिएटिंग. यस, एंड साथ ही में लास्टली कि कभी कभी ऐसा भी होता है जो नए शोज आते हैं वो बहुत टाइम तक नहीं चल पाते, नहीं चल पाते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से, क्या होता है? सी, कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, वो कहते हैं ये क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं. बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर मेकिंग समथिंग वी आर अंडर सो मच प्रेशर. सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को ध्यान में भी रखनी पड़ती हैं, किसी के किसी को कई स्टोरी, मतलब स्टोरी उस हिसाब से ग्रो होती है, सबके हिसाब से नहीं हो सकती ना. मतलब इट गोज लाइक हाउ पीपल लाइक इट, बट उसमें भी लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं. तो एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है. तो हाँ, सब अभी आजकल शोज बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, चैनल के पास भी पेशेंस नहीं है, लोगों के पास भी पेशेंस नहीं है. सो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मच हार्ड वर्क. तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा उसको समझने के लिए एक बार लोगों तक अभी इतने टीवी चैनल्स हैं, इतने शोज हैं कि हर चीज़ को व्यूअर्स तक पहुँचाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो अगर कुछ पहुँच रहा है, थोड़ा बहुत भी पहुँच रहा है, तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए लोगों को समझने के लिए या जानने के लिए. और स्टोरी तो हमेशा चेंज होती रहती है, तो कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है. सो या आई डो नॉट लाइक इट जो शोज बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, तीन महीने चार महीने में बंद हो जाते हैं, तो वो तो आप तो आ ही नहीं पाए अभी तक. हाँ. मतलब लोगों ने देखा ही नहीं कि है क्या एक्चुअली. सो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए एक शो को. सही, आपने बिल्कुल सही कहा है. एंड साथ ही में रियलिटी शोज के बारे में बात की जाए, सो आप कभी रियलिटी शो में अगर आना चाहें तो कौन सा रियलिटी शो आप पिक करना पसंद करेंगे? सी, रियलिटी शोज आर वेरी गुड, बट अभी तक मैंने रियलिटी शोज के बारे में सोचा नहीं है. मतलब I like reality shows like Jhalak Dikhla Ja, Indian Idol and all that. But Jhalak, haan, Jhalak I can do. Jhalak is a good show and I might want to do that yes. in future. And Big Boss bhi chal raha hai. Big Boss ke bare mein meri koi reviews nahi hai kyunki main matlab मैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे झगड़े वगड़े होते हैं ना वो मैं देख नहीं पाती. सो मुझे पता नहीं. सी, बिग बॉस डेफिनेटली इज़ गुड फॉर एक्टर्स बिकॉज इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म. सो या एज एन एक्टर आई माइट वॉन्ट टू डू इट सम टाइम, बट मैं आई एम नॉट अ व्यूअर ऑफ दैट शो. इस सीजन में मेरा फ्रेंड नहीं गया है, बट बहुत सारे सीजन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए हैं. सो वो आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, विच इज गुड. सी, इट्स अ गेम, टिल द टाइम इट्स फेयर एंड यू कैन प्ले इट, इट्स गुड. सो बट आई एम नॉट अ व्यूअर ऑफ बिग बॉस. सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज रज्जो को पसंद करते रहिए, अभी बहुत कुछ आने वाला है. अभी तो काफी, मतलब वही जैसे मैंने बोला ना, 3 महीने में कुछ नहीं देखते आप. सो अभी तो कुछ भी नहीं देखा है आपने, अभी तो मेन स्टोरी शुरू होने वाली है, बहुत कुछ आगे आने वाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो जस्ट कीप वॉचिंग इट, यू विल लव इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.